लीजिए लीजिए चाय दो। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिए तो। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली अभी उठ चुके हैं 5:43 में। तो अभी फ्रेश होते हैं और चलते हैं थोड़ा बाहर, बाहर से मॉर्निंग वॉक करके आएंगे। तो आज एक्सरसाइज अपने कॉलेज के जिम में करेंगे, क्योंकि आज का जिम का सेटअप भी दिखाएंगे कैसा कैसा है कॉलेज में जिम। और आज उसके बाद आज कॉलेज में भी जाएंगे, एक लेक्चर करेंगे, क्योंकि और अपना एक 25 तारीख को पेपर का एग्ज़ाम है, सेमेस्टर एग्ज़ाम, उसका भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करना है, तो उसका पढ़ाई करेंगे। फिर चलते हैं, अभी थोड़ा बहुत बाहर से आते हैं, फिर जिम में चलेंगे। तो चलते हैं बाहर, आदित्य कॉल कर रहा है, वो आ चुका है। तो इधर आदित्य आ गया, अगर सोए भी आ रहा है अभी। तो अभी हम लोग, हम आदित्य इधर है, गुड मॉर्निंग आदित्य जी, गुड मॉर्निंग। और उधर सैमुल है और सोहेब है, तो चार कोई हम लोग जा रहे हैं इधर आरएनसा चौक से इस तरफ, पॉलिटेक्निक के जस्ट अपोजिट वाले तरफ रोड से हम लोग जा रहे हैं। तो आज टहलते हुए फिर चलेंगे अभी हॉस्टल के जिम में। सो इधर का व्यू काफ़ी मस्त है, दोनों तरफ से पेड़ है और यहाँ खाली खाली सा रोड है, बस हम लोग टहलने हैं इधर। काफ़ी मस्त व्यू देखने को मिल रहा है ऊपर में, ये जो पेड़ सब है ये काफ़ी व्यू मस्त दे रही है। कुछ बोलिए सर। बहुत ही अच्छा नज़ारा, नज़ारा प्रकृति का ऐसे में अगर। तो रास्ते में ये दुर्गा माता का मंदिर है, तो यहाँ पे भी थोड़ा दर्शन कर लेते हैं माता का। तो ये माता का मंदिर है, अच्छा। तो अभी ये अपने कॉलेज कैंपस का पेड़ पौधा है, जो कि छोटा मोटा हरा भरा पेड़ पौधा सब है। तो अभी ये अब चलते हैं अपने जिम में, जो कि जिम में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं। तो अपने कॉलेज का कुछ जिम का यही इक्विपमेंट सब है अवेलेबल। तो चलते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ज़्यादा तो करनी नहीं, जिम वगैरह करनी नहीं। इधर सब इक्विपमेंट सब रखा हुआ है जो भी कॉलेज का है, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिए हैं, तो अब चलते हैं हॉस्टल। तो इधर ही, तो आज अपने जिम में ही आ गए थे एक्सरसाइज करने, ज़्यादा जिम करना है नहीं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी है, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिए, अब चलते हैं हॉस्टल। चलते हैं, देखते हैं मेस में आज क्या क्या है खाने में। अपना जिम है, जिम क्लब, ये गर्ल्स हॉस्टल है, और इधर से एक मेन गेट से रास्ता है, और इस साइड हम लोग का बॉयज़ हॉस्टल है फ्रंट वाला, वो सामने वाला बॉयज़ हॉस्टल है। तो अभी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिए हैं, अब चलते हैं अपने हॉस्टल। तो उधर अपना हॉस्टल है इस, तो जिम से आ चुके हैं, नाश्ता वगैरह सारा कुछ कर लिए। तो आज कॉलेज भी जाएंगे, कॉलेज आज कुछ लेक्चर करेंगे, और उसके बाद आज एक लैब भी है, तो लैब अभी तक लिखे नहीं, लेकिन आज ही लिख लेंगे। और आज
चेक करवा लेंगे। और इसके साथ एक और नोटिफिकेशन आ चुका है कि हम लोगों का सेमेस्टर एग्ज़ाम जो फोर्थ सेम का एग्ज़ाम है वो आ चुका है, जो कि 13 दिसंबर से 13 दिसंबर से हम लोगों का फोर्थ सेम का एग्ज़ाम फाइनल होने वाला है, जो कि उससे पहले हम लोगों का मिड सेम एग्ज़ाम होगा अपने कॉलेज में और फाइनल एग्ज़ाम दूसरे अदर कॉलेज में होगा। तो इस वजह से अब काफ़ी हम लोग अभी तक सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, जो कि आठ बुक पढ़ने हैं, जो कि इस फोर्थ सेम में। थर्ड सेम में 8 बुक थे लेकिन, और इसमें भी 8 बुक है। उसके बाद भी 25 को एक और अपना एग्ज़ाम है जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम ही है, वो बैकलॉग वाला एग्ज़ाम है एक, जो कि सेकेंड सेम में बैकलॉग रह गया था, तो उसका एग्ज़ाम है 25 को। और उसके बाद थर्ड सेम का हाल ही में रिजल्ट आया है, तो थर्ड सेम में ऐसे उसमें एक भी बैक है नहीं, जो कि थर्ड सेम में भी 8 पेपर था, तो थर्ड सेम तो सारा क्लियर है। लेकिन अभी फोर्थ सेम में बहुत कम सिलेबस कवर किए हैं, बट इसका भी एग्ज़ाम का डेट रिलीज हो गया है और 24 को कॉलेज में रजिस्ट्रेशन भी होने वाला है, जो कि एग्ज़ाम के लिए। तो अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो अभी चलते हैं सारा कुछ मार्केट से थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़र वगैरह लेते हैं, तो जाते हैं दुकान पे ख़रीदते हैं ऑर्गेनाइज़र और कवर करते हैं सिलेबस। तो काफ़ी प्रेशर है अभी एग्ज़ाम देने का, और काफ़ी नज़दीक डेट आया है, काफ़ी कम टाइम है, 20 से 22 दिन डेट ही है। इसमें भी अभी मिड सेम होगा और कुछ प्रैक्टिकल वगैरह होगा, तो चलते हैं तैयारी करते हैं। तो कल से सिर्फ जिम में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद अपने रूम पे ही जो भी स्टडी वगैरह होगा वह सब करेंगे, अब बाहर नहीं जा पाएंगे घूमने। तो आज दुकान पे भी ज़बरदस्त भीड़ है, थोड़ा बहुत भीड़ है, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आया सब लोग बुक वगैरह ख़रीदने के लिए आ चुके हैं। तो हम लोग भी आए हैं, ऑर्गेनाइज़र लेते हैं और अपना जो भी सिलेबस है वो कवर करते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो अभी आ गया है चाय के इंस्टॉल पे, तो अभी सब कोई थोड़ा चाय पीते हैं, शाम का टाइम है, और चाय पी के चलते हैं, तैयारी करते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम के लेकर के। तो थोड़ा बहुत चाय पी लेते हैं सभी कोई। लीजिए लीजिए चाय दो, सर को चाय दो। दिया।